हेलो फ्रेंड्स, मैं शौर्य मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन केयर एडवाइजर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायनेजल ऑक्लूजन थेरेपी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ये बायनेजल ऑक्लूजन टेक्निक क्या है। बायनेजल ऑक्लूजन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नाक के दोनों साइड को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि आईज पर होने वाला स्ट्रेन कम हो सके, जिससे आपकी गेट यानी चलने का तरीका और बैलेंस में सुधार हो। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक के बाद विजुअल डिफिशिट्स के साथ स्ट्रगल करने वाले पेशेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो जब कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है तो ब्रेन के विजुअल पाथवे में डिसरप्शन हो सकता है। तो जब ब्रेन स्टम के अंदर के नर्व फाइबर्स डिसरप्ट होते हैं तो बैलेंस सिस्टम और ओरिएंटेशन सिस्टम को भी असर पड़ता है। बायनेजल ऑक्लूजन से पेशेंट्स अनफैमिलियर एनवायरनमेंट में या क्राउडेड एरियाज में चलने में बेटर फील करता है। बायनेजल ऑक्लूजन का इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। एक आर्टिकल के मुताबिक बायनेजल ऑक्लूजन का इस्तेमाल करने वाले पेशेंट बताते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल और सिक्योर महसूस करते हैं। इसके रिजल्ट्स में पेशेंट्स को पेरिफेरल विजन पर अधिक रिलाई करने की इनकरेजमेंट मिलती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आर्टिकल ऑप्टोमेट्री और विजुअल परफॉर्मेंस जर्नल का है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि बायनेजल ऑक्लूजन थेरेपी से मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो अगर हम पर्पज की बात करें तो फ्रेंड्स, बायनेजल ऑक्लूजन का मेन पर्पज स्पेशियल ओरिएंटेशन में हेल्प करने और विजुअल स्टेबिलिटी में इम्प्रूव होने के अलावा, कुछ पेशेंट फील करते हैं कि उनके नीचे की जमीन हिल रही है। सो आफ्टर यूजिंग द बायनेजल ऑक्लूजन थेरेपी, पेशेंट्स को ये भी महसूस नहीं होता कि जमीन उनके नीचे हिल रही है, जिससे उनका फील और कॉन्फिडेंस बेटर होता है। सो फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि बायनेजल ऑक्लूजन थेरेपी से और भी विजुअल कंडीशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प होता है, जैसा कि हम बायनेजल ऑक्लूजन का यूज इन कंडीशंस में भी करते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रैबिस्मस, एम्ब्लियोपिया, विजुअल डिस्कम्फर्ट, कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी, डिप्लोपिया, हेमियनोपिया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी रिलेटेड टू विजुअल इम्पेयरमेंट और बायनोक्युलर विजन डिसफंक्शन। तो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि कितने समय तक बायनेजल ऑक्लूजन थेरेपी यूज करनी है, तो ये पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। आमतौर पर 2 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक की ड्यूरेशन रिकमेंड की जाती है। नाउ कम टू द पॉइंट हाउ टू यूज। तो अभी तक तो हमने जाना कि पर्पज क्या है, ड्यूरेशन ऑफ रिकमेंडेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं, बट अब चलिए हम जानते हैं कि इस थेरेपी को हम यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, बायनेजल ऑक्लूजन के एप्लीकेशन के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि स्टिकर या पैच। तो इसमें क्या करेंगे, छोटे स्टिकर्स या पैच को ग्लासेस के नोज ब्रिज पर लगाना है, जो विजुअल फील्ड के नेजल हिस्से को ब्लॉक करने में मदद करता है। ये बहुत ही आसान और आपकी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने में सुविधा देता है। नंबर 2, ग्लासेस विद ऑक्लूजन लेंसेस। तो ये एक तरह का खास ग्लासेस बनाया जा सकता है, जिसमें लेंसेस को एक या दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है बायनेजली, जिससे बायनेजल ऑक्लूजन हो सके। नंबर 3, टेप। तो कुछ लोग टेप सीधे अपनी स्किन पर लगाना चूज करते हैं ताकि बायनेजल ऑक्लूजन हो सके। वन मोर वे दैट कैन अप्लाई, सो इसमें एक ब्लैक टेप अपने आई के ग्लासेस के नेजल साइड पे स्टिक कर दें, जिससे बायनेजल ऑक्लूजन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी थेरेपी इस्तेमाल करने से पहले क्वालिफाइड आई केयर प्रोफेशनल की सलाह जरूरी है। तो इन मेथड्स का इस्तेमाल पेशेंट्स के स्पेसिफिक नीड्स और आई डॉक्टर या विजन थेरेपिस्ट की एडवाइस के मुताबिक होता है। I hope this video would be helpful for you. If you find this video is helpful, then you can share with your friends. Thanks for watching. Stay tuned for more informative videos.